मोटरसाइकिल देंगे तो शादी कीजिएगा। मोटरसाइकिल मिलेगा तो आपने बाप को बुलाइए जाकर। साइकिल नहीं मिलेगा तो शादी नहीं कीजिएगा। नौटंकी किया है इसको, शादी है बिल्कुल शादी नहीं होगा। आप समाज क्या रखे हैं इसको छोड़िए ना, आप समाज क्या रखे हैं। मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा तो शादी नहीं कीजिएगा। नौटंकी किया है इसको, ऐसा नहीं होगा, शादी होगा नहीं करेगा। आप नौटंकी कर रहा है, नौटंकी आज आज मोटरसाइकिल चाहिए, इतना दिन क्या कर रहा था, क्या है क्या समझ रहे हैं। बैठिए तो सीधा बैठिए, क्या समझ रखे हैं, शादी नहीं कीजिएगा। क्या चाह रहे हैं, मिलेगा तभी शादी कीजिएगा। क्या चाह रहे हैं, आपको सब कुछ दे दिए, फ्रिज दे दीजिए, अलमारी दे दीजिए, सोफा दे दीजिए, और क्या चाहिए आपको। मेरे काम का नहीं दिए हैं। आप किसके काम का है, किसके घर जा रहा है। तो आपको सिकड़ी दे दी, ये अपने बहन को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं। मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको, तब सिंधु डाले नहीं डाले। अच्छा तो कि आपको सिकड़ी चाहिए, तो फिर सिकड़ी दे दी आपको। अब आप ही समझाइए, आप ही समझाइए इनको कि आप मोटरसाइकिल देंगे तब शादी कीजिएगा। मोटरसाइकिल मिलेगा तो आपने बाप को बुलाइए जाकर। ड्रामा मत कीजिए, बाप क्या करे, मेरे बाप क्या करेगा। आप बाप को दहेज पड़ता केस करेंगे, शादी मुझे तुमको 4 लाख तुम्हारे तुमको दिया जा रहा था, 50,000 कम किया गया तो माना इसका बाप नहीं माना। 4 का पूरा पैसा मिलेगा तभी हम दिन उतारेंगे शादी का। आज अति कर रहा है, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब हो गया, आज अति कर रहा है। तो ये सब जो दे रहे हैं, ये सब जो दे रहे हैं, मुझे सुनिए, आपका इतना ड्रामा है। अगर मेरे बहन को घर ले जाइएगा तो कितना दशा कीजिए, दशा नहीं ना करेंगे। मुझे बैग दीजिए, आपको दहेज पर तक केस करेंगे। अपने बाप को बुलाइए, चलिए स्कूल पे बैठा है ना, उसके बाप को बहुत नौटंकी किया है स्कूल पे। चलिए स्कूल पे बात को बुला के आइए, चलो स्कूल पे। देखिए मतलब क्या लड़की वाला बुलाया है क्या, स्कूल पर ले चलो। पढ़ा लिखा है कितना, पढ़े मैट्रिक किए हैं आप, बीए तक कराए हैं हम अपने बहन को। तुमसे ज्यादा पढ़ी है लड़की, समझा। अपने शौक के लिए कराए ना, अपने शौक के लिए। मुझे क्यों चूज किए, वो बीए नौकरी करेगी तो हमारे घर पे आएगी, आपके पास रहेगी। मुझे चूज क्यों किए, नहीं करना चाहिए ना आपको पहले। नौटंकी करके रखा है, नौटंकी है, किसको नहीं मिलता है। तुम और तुम्हारा बाप किसको खाना में समझ लो, तुम किसको बाइक नहीं मिलता है, किसको बाइक मिलता है। बुला बुला बुला, जल्दी बुला बुला बाप का। चलिए क्या करेगा, अच्छा बताइए। मारना मारना, कोई लड़का को नहीं मारेगा, कोई मारेगा नहीं मारेगा। ये सब मेरे काम के, ये सब मेरे काम के नहीं दे रहे हैं। ये सब किसका काम का है, किसका काम का है। बहन के शौक के दिए, बहन के शौक के दिए। मेरे कौन सा काम है, 2 बजे रात को नौटंकी किया है कि सिंदूर नहीं डालेंगे। ड्रामा मत कीजिए, शादी होगा नहीं करेगा। केस होगा, एफआईआर दर्ज कराएंगे। आप समझ कर रखे, ऐसा कीजिएगा तो आपको ऊपर केस करेंगे। चलिए स्कूल पे, आपके पास ऐसा थोड़ी होता है। रोज रोज आपका ड्रामा चल रहा है, रोज रोज कभी दिए, कभी और चीज चाहिए। अब लड़का सब नहीं है, मुझे अंदर मारा क्या, सिकड़ी मिला कि नहीं मिला, सिकड़ी औंठी मिला कि नहीं मिला, औंठी मिला सिकड़ी कहाँ मिला है मुझे, मारो में सिकड़ी नहीं मिला, मिला है सिकड़ी, अभी मिला रखा था इसके, सिकड़ी मिला है सिर्फ। तो अभी मिलता कि नहीं तुमको, तो तू नौटंकी कर लाया कि अभी मोटरसाइकिल चाहिए हमको। मुझे सिंधु डालने के बाद मुझे मिलता है, बुला लो को बुला, बोलो मिला है, मिला है ना, नहीं मिला है मुझे सिकड़ी, मिला मिला। जो खर्चा हुआ है वो हम समझ लेंगे, सब पैसा वापस कर, पैसा वापस कर, वापस कर। केस होगा इस पे, को गार्जियन को केस होगा, चलिए केस करो, केस होगा। 4 लाख रुपए का खर्चा, हम अपना खर्चा हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे अपना खर्चा। दादा जो हमारा ले दिए वो ले लेंगे, चलो चलो लिएगा। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को दहेज मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग दहेज लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत आप इस वीडियो में देख लीजिए। हालांकि दहेज लेता तो नहीं दिख रहा दूल्हे राजा, लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिना मोटरसाइकिल लिए दूल्हे राजा शादी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अब दूल्हे के साथ जो भाई साहब हैं वह लग रहे हैं कि लड़की वाले के तरफ से है, और बताया ये भी जा रहा है कि वो लड़की के भाई हैं। वहीं लड़का बाबू कह रहे हैं कि हमको बाइक चाहिए तभी सिंदूर डालेंगे, लेकिन उसके बाद लड़की वाले की तरफ से लोग आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं अब शादी ही नहीं करना। हालांकि आप इस दहेज लेने वाले दूल्हे राजा के बारे में क्या सोचते हैं और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए मधेपुरा संचार।